दो, श्री नाहिद हसन पर्यावरण मंत्री जी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए अनुसरण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर देश में कुल चिन्हित सब प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में लॉ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया मथुरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, बुलंदशहर, खुर्जा, फिरोजाबाद, गजरौला, आगरा, गाजियाबाद एवं चार सीरियसली पॉल्यूटेड एरिया नोएडा, मेरठ, अलीगढ़, सिंगरौली उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण में दोषी पाए गए उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार कारण बताओ नोटिस, बंदी के आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। जी हाँ, उक्त क्षेत्रों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27/2/2020 द्वारा उक्त क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु कड़े मानक निर्धारित किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए उक्त समस्त क्षेत्रों हेतु कार्य योजनाएं कार्यान्वित कराई जाती है। प्रश्न नहीं उठता। मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन किया था माननीय अध्यक्ष जी, एक तो इसमें मैंने पूछा था माननीय मंत्री जी के सहारनपुर मंडल में जो दो तीन ज़िले हैं, क्या उसमें क्रिटिकल प्रदूषित में आप सरकार क्या विचार कर रही है उसको जोड़ने का, और इसके साथ जिन क्षेत्रों को आपने इस पर क्रिटिकली पॉल्यूटेड में जो मुझे जवाब मिला है इसमें सिर्फ शहरों के नाम हैं साहब, कृपया अगर लिस्ट भी मिल जाए किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करी है, और क्योंकि सहारनपुर इसमें नहीं है, मुजफ्फरनगर नहीं है, शामली नहीं है, और हमारे क्षेत्र में थोड़ा अलग हो गया, लेकिन मैं उसके बगैर तो मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाऊँगा, इसलिए सहारनपुर मैं आपका मैं ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मंत्री जी शुगर मिल बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल शहर से लगती हुई हैं, ख़ास तौर पे शामली में। अभी कुछ दिन पहले 500 बच्चों मिल द्वारा गैस लीक हुई, उसके पड़ोस में एक स्कूल था माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें 500 बच्चों को एकदम से इस ये जो गैस जो लीक हुई उससे परेशानी हुई और एकदम से उनको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, और किस ऊपर वाले का शुक्र है कि कुछ ज़्यादा वो नहीं हो पाया। उसमें हम लोगों ने सब विरोध किया और उस मिल मालिक के खिलाफ जो है मुकदमा कायम हुआ, जिसमें अब जाके ये मालूम पड़ता है कि उसमें FIR लगा दी, और वो शहर में बिल्कुल नज़दीक में है, यहाँ पर ये गैस का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इन लोगों के जो मैली जी प्रश्न कर लीजिए, मैं ये चाहता हूँ कि जो शुगर मिल हैं सभी हमारे क्षेत्र में, उन पे आप अपनी तरफ से या तो किसी इंस्टीट्यूशन से या वैसे आप कोई जांच करा लीजिए अलग से, जो NGT के या जो क्षेत्रों में जो रेजिडेंशियल एरिया में या शहरों में जो जुड़े हुए हैं उन लोगों में अगर कोई कमी पाती है तो उसके लिए क्या क्या आप कार्रवाई करेंगे। और दूसरी चीज़, एक स्लॉटर हाउस है, काफ़ी जगह है, और वहाँ जैसे सहारनपुर की मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से वहाँ पर जो बदबू आती है माननीय मंत्री जी, कोई आम आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता, और मॉनिटरिंग उसमें नहीं होती, जहाँ 100 की काटने की परमिशन है वहाँ हज़ार काट रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं कि आम आदमी का कहीं वहाँ पर उसका कोई यूज़ है, लेकिन उसकी वजह से और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा जो है मॉनिटरिंग हो जो उन पे नज़रबंद रख सके, ताकि जो है जितना परमिशन है उतनी काट ली जाए, या फिर जो है उनको शहर से अलग कोई आपका कोई सरकार जो है उनको कहीं बाहर स्थापित करने के लिए। इस तरीके की ये दो चीज़ें हैं, शुगर मिल है और स्लॉटर हाउस है, जिससे आम जनता को ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसमें सहारनपुर तो था नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना है कि क्या सरकार इनको इनकी जांच कराकर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अब आप बैठे। अभी अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है
आपने जिस पर्टिकुलर जिला का नाम लिया है, क्योंकि आपने 24/4/2020 तक के आंकड़ों के बारे में आपने पूछा है, और क्योंकि आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि सीपीसीबी के द्वारा वर्ष 2016 में जो क्रिटिकल और सीवियरली जितने प्रदूषित इकाइयां थीं उनके लिए कार्ययोजना बनाई गई, और पूरी सूची हमने उस समय जो दोषी थे 2921 उसमें सारा कुछ उसमें शामिल है, और उसमें बंदी और कारण बताओ नोटिस 611 के खिलाफ दिया गया, प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई 165 के खिलाफ किया गया, और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति 64,22,00,000 उनसे जुर्माना वसूला गया ऐसे लोगों के खिलाफ। और चूंकि स्लाटर हाउस का आपने जो पूछा चूंकि इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी मानक हम एनओसी देते समय जो भी मानक होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, अगर उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता तो उसके खिलाफ हम बंदी का आदेश करते हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का वो करते हैं। क्योंकि हमने उत्तर में दिया कि एक सतत प्रक्रिया है, जो आपने पूछा है उसके बाद भी इधर 9-10 महीने से जो हमने कार्रवाई की है, प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई, जुर्माना वसूली की कार्रवाई, तो हमेशा हमारी चूँकि एक समग्र कार्ययोजना है माननीय अध्यक्ष जी, उस कार्ययोजना के अनुसार से अगर उसका कोई वायलेशन करता है तो ऐसे इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। माननीय सदस्य ने सूची जाना चाहे तो मैं सूची आपको भिजवा दूंगा पूरी डिटेल। ठीक, अब हो गया। मुजफ्फरनगर को इसमें शामिल करने का सरकार प्रयास करेगी, ये इसको शामिल कर लिया जाए और लिस्ट दे दी जाए। अध्यक्ष जी, मैं उसको शामिल करते हुए सूची आपको भिजवा दूंगा। संजय जी, श्री संजय गर्ग, नगर विकास मंत्री। जी हाँ, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीवनाशित कूड़ा कचरा विनियम अधिनियम 2000, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन 2000 यथा संशोधित की धारा 6, 7, 12 और 13 का के अधीन प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या 1056/9/7/2018-29 लखनऊ 2018 दिनांक 15/7/2018 द्वारा राज्य के समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी में आने वाले क्षेत्रों में दिनांक 15/8/2018 से प्लास्टिक या थर्माकोल के निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों तथा दिनांक 2/10/2018 से समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिषिद्ध किया गया है। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। संजय जी, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और सन 2000 में इसकी गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम पास किया गया, जिसमें 2018 की राज्याज्ञा के द्वारा माननीय मंत्री